जो हमारी पोपीएस लागू करेगी हमारे भाइयों के लिए उसी को वोट जाएगा, नहीं तो किसी को वोट ही नहीं जाएगा इस बार। हमें अपना हक चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए बस। सरकार से डिमांड है कि जल्दी से जल्दी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। सारे गवर्नमेंट कर्मचारी अब की बार लाभमंद है, अगर नहीं करेंगे तो वो सरकार आएगी जो हमारा ओपीएस बहाल करेगी। एनपीएस जो है बंद कर देंगे, ओपीएस लागू की जाए। एमएलए एमपी दो बार तीन बार बनता है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेते हैं। तो एक सरकारी कर्मचारी 60 साल तक नौकरी करता है, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं? जनता जागरूक हुई है, वो आज बात की लड़ाई करेगी, 2024 में इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सुनती हमारे तो इससे बड़े धरने होंगे, ये तो छोटा धरना है, इससे और बड़ा धरना होगा। जस्टिस वी वांट ओपीएस। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां एक प्रदर्शन चल रहा है और नारेबाजी हो रही है वी वांट ओपीएस। जाहिर तौर पर यह ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम मौजूद लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना है, किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग यहाँ ओल्ड पेंशन के लिए आए हैं। गवर्नमेंट ने जो न्यू पेंशन स्कीम लगा रखी है उसमें हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, और ओल्ड पेंशन की डिमांड को लेके आए हैं। जब एमएलए एमपी दो बार तीन बार बनता है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेते हैं। तो एक सरकारी कर्मचारी 60 साल तक नौकरी करता है, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं? तो हमारी सरकार से डिमांड है कि जल्दी से जल्दी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, क्योंकि कर्मचारी 60 साल तक एक सेवा करता है और उसको बुढ़ापे में ओल्ड पेंशन स्कीम एक बुढ़ापे में लाठी का सहारा है। बहुत ही जरूरी है, सामाजिक सुरक्षा है एक उस आदमी की, सरकारी कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। इसलिए वो गवर्नमेंट तत्काल लागू करे। वी वांट जस्टिस, वी वांट ओपीएस, वी वांट ओपीएस। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस बात के लिए? हम एक ओल्ड पेंशन स्कीम के आगमन के लिए आए हुए हैं, और जो पुरानी पेंशन स्कीम सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों से खुद कर्मचारियों के लिए बंद की है और खुद ले रहे हैं। हम हमारे हक के लिए ऑल इंडिया जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हो सारे यहाँ पर पूरे स्टेट से आए हुए हैं, और हम हमारा हक लेके ही मानेंगे, चाहे गवर्नमेंट का तख्ता पलट हमें करना पड़े और करके रहेंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमें ओपीएस, क्या करते हैं हम नर्सिंग ऑफिसर हैं, डॉक्टर बीएससी हॉस्पिटल, नर्सेज यूनियन पूरी आई हुई है, इधर पूरे नर्सेज आए हुए हैं, और हम ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से यहाँ पर उसके बैनर के नीचे हम आंदोलन कर रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो फेडरेशन है उसके नीचे पूरा आंदोलन चल रहा है। जो पेंशन की मांगे हैं, आपको सैलरी दे रही है सरकार जो है, आप जब तक काम कर रहे हैं सैलरी मिल रही है, उसके बाद पेंशन की जो बुढ़ापे की जो सुरक्षा होती है वो बाद में बंद की गई। क्यों बंद की गई और क्या दलील दी गई? गवर्नमेंट ने उस टाइम पे, वाजपेयी गवर्नमेंट ने बंद किया था, एनपीएस लागू किया था। हाँ। उस टाइम पे उनका क्या रीजन रहा होगा, उनका बजट का या जो भी इशू रहा होगा। अब लेकिन अब ये एनपीएस बाद में कोई भी चीज़ एक बार लागू करती है गवर्नमेंट, तो हो सकता होगा गवर्नमेंट कर्मचारियों के हित लागू सोच के किया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे कालांतर में उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कि अब जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको पेंशन उतनी नहीं मिल रही जितनी ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलनी चाहिए, और अब इसके जो दुष्परिणाम वो सामने आ रहे हैं, इसलिए पूरे के पूरे जो एम्प्लॉय है वो लामबंद। दुष्परिणाम क्या सामने आ रहे हैं? देखो, पुरानी पेंशन स्कीम में जितना भी आपका जो लास्ट से ले रहे हैं उसका 50% और उसका डीए मिलता है, लेकिन इस वाली स्कीम में आपका जितना पैसा कट रहा है एनपीएस में वो पूरा मार्केट पे डिपेंडेंट है, और जब आप रिटायरमेंट हो गए ये श्योरिटी नहीं मार्केट कितना अप्स एंड डाउन जाएगा, तो कोई श्योरिटी नहीं आपका कितना कट रहा है और आपको कितना मिलेगा, और पेंशन भी जितना आपका कट रहा है उसमें से मिलेगा बाद में। तो इसका ये बिल्कुल बजट में नहीं होगा, जो बिठा के घर बैठा के पैसे देना बजट में नहीं होगा, वो पैसे बचेंगे तो देश के हित में काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपने सही बोली, लेकिन वो गवर्नमेंट के जो मुनाइंदे हैं जो चलाते हैं सरकार, वो क्यों ले रहे हैं? एक बार विधायक बन जाता है 5 दिन के लिए, 10 दिन मंत्री बन जाता है, दो दो तीन दिन पांच बार पेंशन उठा रहे हैं, वो भी बंद कर दो, हम बंद कर देंगे, हम आंदोलन बंद कर देंगे हमारा। अगर आज ही मोदी गवर्नमेंट ये बोल देती है कि कोई भी नेता और कोई भी अन्य जो ओपीएस ले रहे वो बंद करेंगे, तो हम भी बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे, लेकिन जब वो ले रहे हैं आपको, यस पटीदारी है आपको, क्या बोल रहे हैं, उनको मिल रहा है तो आपको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, हक है, ये संविधान में दिया हुआ है, सबको सब समानता के अधिकार है। फिर जो संविधान बनाने वाले जो वहाँ पर लोकसभा में विधानसभा में बैठे हुए, अगर वो पेंशन ले रहे हैं तो हमें क्यों नहीं? अगर वो गलत है, देश में बाहर है, तो वो भी अपना बंद करो,
वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, वो जनता का सेवा करते हैं। वो प्रतिनिधित्व नहीं, हम जनता की सेवा करते हैं। बीच में जाके एक गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, वो 25-30 साल पढ़ाई करता है, 60 साल के लिए अपने घर बार छोड़ के पूरा जनता के बीच में काम करता है, और वो पूरे अपना हर चीज को त्याग करता है। और अगर वो बुढ़ापे के अंदर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो उसके बाद में क्या होगा उसका? आपने कहा कि अगर नहीं देंगे तो तख्ता पलट कर देंगे। यह सारे गवर्नमेंट कर्मचारी अब की बार लाभमंद है, अगर नहीं करेंगे तो वो भी सरकार आएगी जो हमारा ओपीएस बहाल करेगी। की लड़ाई है, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी से, जो इस बार जो जनता जागरूक हुई है वो आज बार की लड़ाई करेगी, 2024 में इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने ओपीएस नहीं लागू करी है तो 2024 में उनको परिणाम देखना पड़ेगा क्या होता है। सरकारी कर्मचारी जो चाहे सब कुछ कर सकता है, सरकार बढ़ा भी सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है। वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी फायदा देखना चाहिए। जो 25-25-30-30 साल लोग नौकरी करते हैं, बुढ़ापन को क्या मिलेगा? 1000 रुपये पेंशन मिलेगी, 1000 रुपये में क्या होगा ये बताओ। वो आज नेता क्या लगता है जो इसके बाद सरकार आएगी मोदी के बाद वो कर देगी आपकी पेंशन? हमें सरकार किस मिली, कोई भी सरकार है हम उसी का वोट देंगे जो हमारी ओपीएस लागू करेगी हमारे भाइयों के लिए, उसी को वोट जाएगा, नहीं तो किसी को वोट ही नहीं जाएगा। इस बार तो बोर्ड नहीं जाएगा तो सरकार की आंखें खुलेंगी। आंख खोलने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है कि सरकार अभी टाइम है, आप जाग जाओ, नहीं तो आने वाला टाइम है आपको बहुत बुरा नुकसान सहन करना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे थे? सरकार का जो मकसद है ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करने का, वो प्राइवेटाइजेशन है। पहला गवर्नमेंट का हमेशा मकसद रहा है कि हम कम पैसों में वो देखें। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो एक बार एमएलए एमपी बन जाते तो वो भी जितनी बार बनते उतनी पेंशन लेते हैं। तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिन्होंने कोविड जैसी पेंडेमिक में हॉस्पिटल में काम करने वाले में, पुलिस में काम करने वाले या और किसी गवर्नमेंट सेटअप में काम करने वाले लोगों ने अपनी पूरी ईमानदारी से उन लोगों ने काम किया, तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर उनकी जो अब फ्यूचर का जो सवाल है, अगर वो उसके लिए पेंशन मांगता है तो क्यों नहीं देना चाहिए उसको? बिल्कुल कहते हैं प्राइवेट होने के कारण जो व्यवस्थाएं अच्छी चलती हैं। बिल्कुल नहीं चलती है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विसेज प्राइवेट करके दिखा लीजिए। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, क्या आम आदमी उसमें जा पाता है? नहीं जा पाता है। वो जब भी बीमार होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ भागता है और हमेशा उसकी शिकायत रहती है कि वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे इतनी भीड़ रहती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहाँ कभी पानी भर जाता है, कभी बेड नहीं होता। गवर्नमेंट का काम है ना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो अपनी सर्विस उस पानी भरे हुए पानी में भी दे रहा है ना। ये सरकार का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम सरकार का है। जो भी सिस्टम में बैठे लोग हैं वो उस सिस्टम को मजबूत करें। सरकार तो सब सुविधाएं दे रही है, वहाँ के कर्मचारी अगर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कर्मचारी काम नहीं करते हैं? अगर कर्मचारी काम नहीं करते तो क्या ये सरकार का सिस्टम चल पाता? क्या पूरे 2 साल तक ये कोविड पेंडेमिक में जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया, कोविड का जितनी सारी जो बीमारी लोग ग्रसित हुए उनमें जितनी जो सर्विसेज की, क्या ये हो पाती? अगर सरकारी कर्मचारी नहीं काम करते तो मुझे नहीं लगता कि ये नहीं होती। सरकार का काम है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी तरह से जो है उनको बदनाम करो और फिर उनको जो है उनकी जो चीज़ें उन पर थोप दो। हमारा एक ही मकसद है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन, नर्सेज के लिए काम करने वाला भारत में एकमात्र एक बड़ा संगठन है, उसके बैनर के तहत बहुत सारे दूसरे संगठन है, ईएसआई है, रेलवे है, दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, एम्स के ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं और बाकी भी इंस्टीट्यूट्स जो स्टेट की और सेंट्रल की है वो सब मिलकर काम करती है। उन्होंने आज इन सब के बुलावे पे आज जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि सरकार जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको जो है रिपील करके हमें जो हमारी पुरानी पेंशन है उसको उभू हमें लागू किया जाए। हम पुरानी पेंशन के लिए यहाँ पे आज लड़ाई करने के लिए जंतर मंतर पे आए। जी आप कुछ कह रहे थे? एनपीएस जो है बंद करके ओपीएस लागू की जाए, क्योंकि एनपीएस का पैसा पूरा प्राइवेट सेक्टर में जाता है और ओपीएस का पैसा गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है। एनपीएस हम 20-20 हज़ार महीने कटाते हैं, हमारे सिलेक्टर पैसा कट रहा है तब भी हमें पूरा सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? जब हम 20,000 रुपये हर महीने कटवाने के बाद भी हम सोशल सिक्योरिटी हमें नहीं है और हमें इसका कोई सिक्योरिटी नहीं कि हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा भी, क्योंकि सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। शेयर मार्केट भी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप पूरा दम से गिर गया था, सडन से हमारा पैसा सडन दम से गिर गया, हमें तो जीरो मिलेगा। जब हर महीने 20 से 30 हज़ार महीने कटाने के बाद भी हमें पैसा नहीं मिले तो हम क्या करेंगे ऐसी व्यवस्था का? हमें तो ऑफिस व्यवस्था थी जिससे हमें सोशल सिक्योरिटी रहे, बुढ़ापे की लाठी रहे। आए दिन आपने देखा वो नए बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं, लेकिन अगर हमें सोशल सिक्योरिटी रहेगी, हमारे पास पैसा रहेगा, पेंशन आती रहेगी तो हम प्रॉपर तरीके से अपना भरण पोषण कर सकते हैं, बुढ़ापे में अच्छा जी सकते हैं।
तो आप सरकार के भरोसे क्यों बैठे? आपको जो सैलरी मिल रही है उससे कुछ नया शुरुआत कर लीजिए, बुढ़ापे तक काम आएगा। सैलरी हमें मिल रही है तो क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? काम भी तो हम बराबर कर रहे हैं, सैलरी उस पर गवर्नमेंट हमें उसी से सैलरी दे रही है, इसके हम काम कर रहे हैं। नेता भी तो सैलरी लेते हैं, उनको तो सैलरी नहीं मिलती, उनको उनको सैलरी मिलती है, प्रॉपर सैलरी लेते हैं, काम करते हैं, उनका उनका पेंशन क्यों? अगर 10 दिन भी MLA रहेगा MP रहेगा उसको सैलरी पूरी मिलती है, अगर एक नेता 3 बार MP रहा MLA रहा है तो 3-3 पेंशन मिलती है, ऐसा क्यों? हमें क्यों नहीं? जबकि हम तो अपना पैसा भी कटा रहे हैं, NPS से पूरा पैसा कटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, हमें फिर भी सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही है? तो आप नेताओं से कंपेयर कर रहे हैं कि आपको अपना हक चाहिए कि नेताओं का हक गिराना है? देखो, देश में एक कानून होना चाहिए, नेता क्यों ले रहे हैं? हमारी जब 2004 से पहले हमें ऑल पेंशन स्कीम मिलता था, 2004 के बाद हमें क्यों नहीं मिल रहा? जबकि उनका तो किया नहीं, रिपील किया नहीं, उनका तो NPS कंटिन्यू नहीं किया, नहीं हमारा तो OPS कंटिन्यू नहीं किया, हटा दिया, उनका NPS कंटिन्यू क्यों नहीं किया? हम नेताओं से कंपेयर नहीं, लेकिन हमें अपना हक चाहिए, हमें उनसे कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि उनको तो कंटिन्यू हो रही है, हमें क्यों नहीं हो रही है? आपने कहा देश में एक कानून होना चाहिए, लेकिन एक कानून के लिए UCC लाया जा रहा है तो लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। देखो, लोग तो कुछ भी अच्छा कर लो बुरा कर लो सबका विरोध करते हैं, हमें लोगों की बातों में नहीं जाएंगे, हम तो अपनी बातें करते हैं, हमें अपना हक चाहिए, हमें OPC है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर नहीं मिलता है तो नेताओं को भी हटा। देखो, अगर हमें OPS नहीं मिलेगा, हम 2024 में वोट नहीं देंगे, हम वोट उसी को देंगे जो हमें OPS देगा, 2024 को हम उसी को वोट देंगे जो हमें OPS देगा, चाहे किसी गवर्नमेंट जो अभी पिछले दो स्टेट में इलेक्शन हुआ उनमें देखा जिस गवर्नमेंट ने OPS लागू किया है उस गवर्नमेंट की सरकार बनी है, तो इस बार भी ऐसा होगा, जो गवर्नमेंट OPS की हमें घोषणा करेगी OPS हमें देगी उसी को हम वोट देंगे, नहीं वोट नहीं देंगे। 1 करोड़ गवर्नमेंट कर्मचारी हैं टोटल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के, उनके परिवार जो है अटल जी के टाइम पे हटाया गया था, उसके बाद कांग्रेस ने भी सरकार में आई, कांग्रेस भी आई, भाजपा भी आई, दोनों ने नहीं दिया, तो दोनों दौर में पहले देखो OPS हटाया गया था BJP गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन उसको पूरी तरह लागू किया गया था कांग्रेस की तरह, कांग्रेस द्वारा, तो दोनों गवर्नमेंट तो उसी है, हम किसी गवर्नमेंट को वो नहीं करेगी ये गवर्नमेंट अच्छी है ये गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट आएगी जो हमें OPS देगी हम उसी को वोट देंगे, चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। तो अब जो 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, जारी तौर पे आप सरकार की आंख खोलना चाहते हैं, उसे एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि OPS लाओ? बिल्कुल, हम देखो ये सांकेतिक धरना है, अभी और भी बड़े धरने होंगे, अगर सरकार नहीं सुनती हमारे तो इससे बड़े धरने होंगे, ये तो छोटा धरना है, इससे और बड़ा धरना होगा और बड़ा इंडिया लेवल पे होगा, तो हम पूरा धरना देंगे, पूरा अपना एक अक्टूबर को और आंदोलन होने जा रहा है, उसमें पूरी पूरे ऑल इंडिया ओवर से कर्मचारी आने वाले हैं 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान के अंदर, तो उसमें भी काफी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें जहां तक सरकार को चेतावनी दे रहे हैं अभी से, और अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर 1 अक्टूबर को इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती तो हम स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जाहिर तौर पर सभी सरकारी कर्मचारी हैं जो कि किसी न किसी अलग अलग जो संस्था है वहाँ पर अपना सेवाएं देते हैं, इन सभी का एक ही मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो दोबारा से बहाल किया जाए, क्योंकि जो 40-50 साल किसी संस्था में काम देने के बाद जो है बुढ़ापे में एकदम से सहारा, किसी भी प्रकार का कोई सहारा ना रहता है, तो इनके लिए दुख की बात है जब इतना सेवा देने के बाद इनके पास कोई तो सहारा होना चाहिए। अब देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं, और ये सभी जगह से लोग आए हैं, और इनका कहना है कि आने वाले समय में रामलीला मैदान में जो है इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी जन्मित आवाज।